Today's topic is Work by Asia Teacher. Welcome to my video. Please like it, share it, and subscribe it. Today we are going to see what is a verb. Verb is actually word that show an action or movement, a doing word. यानी कि एक ऐसा वर्ड जो हमको एक्शन या कोई भी मूवमेंट के बारे में बताता है उसे हम वर्ब कहते हैं. एक्शन वर्ब्स यानी कि जानते हैं हम एक्शन वर्ब्स के बारे में, जैसे कि रन, क्लीन, डांस, वॉक, क्राई, क्राउल, फाइट, लाफ, राइड, लिसन, रीड, राइट, थिंग, कुक, क्लाइम, ड्रिंक. तो ये जो सारे वर्ड्स है ये एक्शन इंडिकेट करते हैं, तो इसी को हम वर्ब कहते हैं या फिर एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. आइए अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स to fill in the each blank. So first is the sun dash brightly. Now kids, आपको देखना है कि sun क्या होता है, twinkle होता है, sound होता है, enjoy होता है, drink होता है या shine होता है, और आपको answer मुझे comment box में message करना है. English में बोलूँ, second, the stars dash at night. So does it twinkle, it sounds, it enjoy, it drink, shine? What will come in the blank? बताना है आपको मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में. द स्टार्स डैश एट नाइट यानी कि क्या होता है, स्टार्स रात में क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, साउंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं या शाइन करते हैं. थर्ड, इट डैश फनी, ट्विंकल, साउंड्स, एंजॉय, ड्रिंक्स, शाइन. नेक्स्ट इज आई डैश वॉचिंग टीवी. So again, look at the option, twinkle, sound, enjoy, drink, shine. I dash watching TV, यानी कि वो बता रहा है कि उसको TV देखना पसंद है. तो कौन सा word appropriate है इसके लिए ज्यादा? Twinkle होगा, sound होगा, enjoy होगा, drink होगा या shine होगा? Next, he dash coffee a lot. Again, look at the option, twinkle, sound, enjoy, drinks, shine. क्या आएगा blank के अंदर? He dash coffee a lot. यानी उसे coffee बहुत पसंद है. तो अभी आप देखिए option में और जो भी answer होगा इसे comment box में send करें.